वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेताओं में शुमार कल्याण सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने देश के गृह मंत्री अमित शाह अतरौली पहुंचे हैं। अतरौली में गेस्ट हाउस में अंतिम दर्शन के लिए कल्याण सिंह के पार्थिव देह को रखा गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनको अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। अतरौली में, अतरौली वो जगह है जहाँ से कल्याण सिंह विधायक चुने गए और उसके बाद उन्होंने अपने बड़े राजनीतिक करियर की शुरुआत की, बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुँचाया। हमारे साथ इसी जगह से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्याण सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की, कल्याण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की अमित शाह ने, और यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के वहां पर आपको प्रदेश अध्यक्ष मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है और तस्वीरों में देख रहे होंगे जिन लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, और आपको बताऊं कि अब से थोड़ी ही देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए हुए होंगे। आपको बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और आपको केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी दिख रहे हैं। कुछ देर पहले मोदी सरकार में शामिल मंत्री जो हैं बीएल वर्मा, जो कभी कल्याण सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, जब कल्याण सिंह अलग हो गए थे बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने एक बात कही कि राम से भी बड़ा है राम का नाम। तो कल्याण सिंह अब नहीं रहे बीजेपी का वो बड़ा चेहरा यूपी से, जिनकी गिनती एक वक्त देश के टॉप बीजेपी के तीन नेताओं में होती थी, लेकिन आज जब वो नहीं, तब भी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कहना है, और जिस बात के हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, आखिर कल्याण सिंह वो शख्सियत इतने बड़े चेहरे के पीछे क्या ताकत है, कल्याण सिंह कमंडल और मंडल की पॉलिटिक्स जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं उसके प्रयोग के पहले चेहरे के तौर पर अगर देखें यूपी में, और खासतौर से आप बात करी उस वक्त की जब 6 दिसंबर 1992 की तारीख जब वो विवादित ढांचा गिरा दिया गया था, यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी, और आप एक बार बार लगातार वीडियो देख रहे होंगे उनके भाषण का 2013 के कल्याण सिंह का, जब उन्होंने उनकी तीसरी बार बीजेपी में घर वापसी हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मैं जाऊं तो बीजेपी के झंडे में लिपटा हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले जब मैंने उनसे बात की थी लखनऊ में तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी आखिरी इच्छा तो यही होगी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण देख पाएं, और यहां पर उनको आखिरी विदाई देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा दोपहर बाद नरोरा में। विकास, बिल्कुल पंकज आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी को तिनका तिनका बटोर कर उसका ताना बाना बुना और बीजेपी को आज जिस स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, उस स्तर तक पहुँचाने में कल्याण सिंह के बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जब वाजपेयी की सरकार थी उस समय 60 सीटें लोकसभा की चुनवा कर भेजा था, और उसके बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने वहाँ 80 सीटें सुपड़ा साफ कर दिया तकरीबन, और वो कल्याण सिंह अब नहीं रहे जिसने बीजेपी को बड़ा जनाधार दिया, बीजेपी को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मजबूत स्तंभ मुहैया कराने में कल्याण सिंह का बड़ा हाथ रहा। हमारे साथ नीरज पांडे भी जुटे हुए हैं यहाँ पर। नीरज, अब सुबह से आप लगातार तस्वीरें वहाँ से पहुँचा रहे हैं। कल्याण सिंह उन नेताओं में शुमार होते थे जिनको उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर हर पार्टी के कैंडिडेट के साथ नाम के कॉम्बिनेशन याद रहते थे। जी बिल्कुल, नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया 60 के दशक से, यानी 1967 में तो पहला चुनाव वो लड़े थे कल्याण सिंह भारतीय जनसंघ से, तब से चुनाव लड़ रहे थे, 11 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, 11 बार विधायक, 9 बार उसमें से विधायक चुनकर शामिल हुए, तो एक लंबा करियर है भारतीय जनता पार्टी में, एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया,
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, प्रदेश महासचिव के रूप में काम किया, अलग अलग पदों में लंबे समय तक काम किया, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। इसकी वजह से कल्याण सिंह भले वो एक ओबीसी में एक बहुत बड़ा नाम रहे हो, लेकिन सर्व समाज के नेता बन गए थे, लेकिन उनकी पहचान एक सर्व समाज के नेता के तौर पर सभी को स्वीकार भूमिका थी। नीरज आपके पास आएंगे थोड़ी देर में, अभी आप बने रहिए, पंकज भी हमारे साथ बने रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।